आज नेशनलिस्ट अपने आप को कह रहे हैं, तो जो पाकिस्तानी गेस्ट सीएम हाउस में बैठे रहे इतने 10-15 साल से, वो सरकारों के वीजा के परमिशन के बिना तो बैठ नहीं सकते थे। आप किन गेस्ट की बात कर रही हैं? जो कैप्टन साहब के पाकिस्तानी गेस्ट थे इधर पूछ लीजिए, जो पब्लिक बैठी है वो आपको खुद बता देंगे। आईएसआई के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रिपोर्टर हैं, कोई उनको आईएसआई के एजेंट भी कहते हैं, जो थे आप पाकिस्तान से पता कर लीजिए, आप नाम तो जानते ही होंगे, जिनके गोदी में आपके उनके, चाहे उनका डीजीपी हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, तो चला तो सरकार उधर से चल रही थी, सरकार और कहां से चल रही थी। लेकिन वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना, तो अगर कोई गेस्ट आया भी है, पाकिस्तान से कोई गेस्ट आया है, तो वो तो फिर प्रॉपर परमिशन से आया होगा, तो इसमें आपत्ति क्या है, इसमें पॉलिटिक्स कैसे? तो 10 साल से या पिछले 5 साल से सीएम हाउस में आप मुझे बता दीजिए, और कौन सी सरकार है देश में 70 साल के इतिहास में जहां पाकिस्तान, जिसका हम नाम लेते ही देश के लोगों का बुखार बढ़ जाता है, खासतौर से बीजेपी का तो बहुत ही पारा उतर जाता है। एक पाकिस्तान की एक डिफेंस जर्नलिस्ट एक मुख्यमंत्री के घर में रह रही है 5 साल से, किसी का बुखार नहीं चढ़ा, चर्चा तक नहीं हुई, क्यों है? कोई और एग्जाम्पल?